सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। उत्तर प्रदेश में अभी एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों को मैसेज मिल रहे हैं जिसमें सख्त चेतावनी दी जा रही है कि इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है। ये मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है कि अगली बार अश्लील वीडियो देखने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिंदी भाषा के साथ साथ विदेशी भाषा में भी ये मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। वहीं वायरल मैसेज पर 1090 की एडीजी नीरा रावत ने जांच के आदेश दिए हैं। नीरा रावत का कहना है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री इंटरनेट पर सर्च करने वाले लोगों को पॉपअप मैसेज के जरिए सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इसी मिसकम्युनिकेशन का फायदा उठा लिया है, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 12 फरवरी को 1090 की तरफ से डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम हमारी सुरक्षा का शुभारंभ किया गया था। इस प्रोग्राम में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक रोड मैप साझा किया गया कि आखिर कैसे 1090 डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जागरूक करके बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित किया जाए। इसके साथ ही तय किया गया कि साथ ही विमेन पावर हेल्पलाइन 1090 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइकोग्राफिक्स की जैसी अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री सर्च करने वाले लोगों को पॉपअप मैसेज के जरिए सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन 1090 द्वारा जारी इस संदेश को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है और लोगों को पॉर्न वीडियो देखने पर कार्रवाई की बात की जा रही है, जबकि बात सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखने से संबंधित है, क्योंकि आईटी एक्ट के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, उसे सर्च करना और आदान प्रदान करना अपराध की श्रेणी में आता है।